तो यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ 3 थाली लेके, क्योंकि मैं आज इतना सारा खाना खाने उठी। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। और मैं यहाँ पे गेहूं धोने के लिए आज आई हुई हूँ। और ये गेहूं जो आपको दिख रहे होंगे ना, कि मैंने इतना गेहूं क्यों बर्बाद कर दिया है, ये गेहूं निकाल के टब में रख दिया गया था और इसमें 1 करोड़ घून लग गए थे। और जो गेहूं मतलब घून जो है वो खा चुके हैं ना, वो वाले जो है वो गेहूं यहाँ पे ना बिखरे हुए थे। तो मैं बस उसी को छान रही थी और फिर मैं इसको फिर से धोऊंगी, क्योंकि ये नहीं साफ हो रहा था और ये इतनी ज्यादा इसमें मिट्टी। और जहां मैं बैठी हुई ना, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे ही सांप ना बार बार निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी के नीचे, सीढ़ी पे भी हम लोग नहीं चढ़ते तो वहां पे काई वगैरह लगी हुई। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह से थोड़ा सा ज्यादा वाला, यानी ना दोपहर हुई है ना हुई है शाम, ना सुबह हुई है ना हुई है दोपहर, अभी शाम का तो सवाल ही नहीं उठता। और आज जो है वो मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और आज जो है वो दिन है शनिवार, और आज मैंने इसीलिए पहने हैं ब्लैक साड़ी, ब्लैक कपड़े। और उम्मीद करूंगी कि आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। आज रम्या के पापा मुझसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नाराज़ है। कई दिनों से हम दोनों एक दूसरे से नाराज़ चल रहे थे। अभी चीज़ें ठीक हुई थी तब तक वो फिर से नाराज़ हो गए। तो चलिए दिखाती हूँ कि आखिर में वो नाराज़गी में क्या कर रहे हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ उनकी फेवरेट और अपनी भी फेवरेट अरवी की सब्जी, क्योंकि अरवी की सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। पहले नहीं लगती थी, बट मुझे अच्छी लगती है। लिपस्टिक कैसी लगी है, यहाँ पे नहीं लगे हैं, और यहाँ पे देखिए कितनी देखने में अजीब लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है। इसको जाके ठीक करूँगी। और आज गर्मी ना उमस वाली गर्मी है, मतलब एकदम उमस रहा है, उमस रहा है। आज कूलर वगैरह भी साफ़ करना है, और धीरे धीरे करके घर को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। और आई होप कि ये ब्लॉग अच्छा लगे, पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। तो पंखा लेके चलते हैं, ये बेडशीट में रोज फोल्ड करती हूँ और रम्या के पापा इसको रोज ऐसे लटका दे। ये देखिए, ये मैं पंखा लेके जा रही हूँ, क्योंकि पीछे देखिए लग रहा है ना कितना अंधेरा हो गया है। ओह माय गॉड। और इस साड़ी पे मैंने, ये ब्लू वाली जो साड़ी है, ये मैंने रील बनाई और मैं भीग गई तो पूरा, इसीलिए इस रूम में डाल दिया है पेटीकोट को, ताकि वो सूख जाए। तो यहाँ पे ये मैंने अरवी काट लिया है। कई लोग इसको घुइया की सब्जी बोलते हैं, और पता नहीं, मैं तो अरवी ही बोलती हूँ, अरवी की सब्जी। तो यहाँ पे देखिए, धो के अच्छे से छील ओल के काट लिया है, मैंने सोचा कि आज यही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया, और आज हरी मिर्ची नहीं है घर में, और मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो जीरा से छौंकते हैं, लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे। और एक और गलती कर दी है मैंने कढ़ाई में बना, क्योंकि कुकर में बहुत अच्छा बनता है। तो एक काम करती हूँ, मैं कढ़ाई बंद करती हूँ और इसको मैं कुकर में वो करती हूँ, पलट देती हूँ ऑयल को। तो देखिए, यहाँ पे कुकर में मैं सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि कुकर में ना बहुत अच्छे से बनती है ये सब्जी। और यहाँ पे बस जीरा डाल दिया है, आज हरी मिर्ची नहीं है, पहले ही बता चुकी हूँ। इसके साथ मैं देखिए रोटी बनाती हूँ कि पूड़ी बनाती हूँ। मसाला यहाँ पे घोल लिया है, ये मसाला यूज करूंगी घोल के इसमें। और इसमें नमक, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, टमाटर, सब कुछ काट के डाल दिया है। अब इसको 5-7 मिनट भून के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, और इसमें खटाई डालना बहुत ज़रूरी होता है, तो खटाई मैं लास्ट में ऐड करूंगी, अभी नहीं, जब पूरी सब्जी अच्छे से गल जाए, हो जाए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसी बनाई है मैंने सब्जी। तो मम्मी हमें बहुत बड़ा फैन है। ना उनका मम्मी बात बन जाए। कह दी कि मेरी मम्मी को आंटी नहीं, दीदी कहा करो। मेरी मम्मी को पसंद नहीं है कोई उनको आंटी कहे। समझा दी है।
यहाँ पे मम्मी बना रही है पूरियां। पूरी खाना नहीं खाना? हाँ बना रही हूँ, तुझे बना लो। आटा बहुत ज्यादा गीला सान रही हूँ, देख लो। अरवी की सब्जी के साथ में ना पूरी अच्छी लगती है। अच्छा अरवी की सब्जी बनाई है आपने? रम्या आ गई स्कूल से, इसीलिए वेट कर रही थी कि आएगी तो पूरी बनाऊंगी। और कई बार ऐसा होता है ना कि आटा गूंद के रखिए तो वो थोड़ा ना ऐसे गीला गीला हो जाता है, बस वही हुआ है। और आज रम्या के स्कूल में राखी मेकिंग कंपटीशन था, है ना रम्या? हाँ, तो ये मेरी फ्रेंड मुझे बांधी है और मैंने उसे अलग बांधा है बना के। हाँ अच्छा, तो बताइएगा रम्या की तारीफ कर दीजिएगा थोड़ी सी। ये मेरा नहीं है ना, कोई बात नहीं। और आप लोग बताइएगा कि जो अरवी की सब्जी बनती है उसके साथ में आप लोग क्या खाना पसंद करते? वैसे पूरी मेरा मन नहीं था कल, जो रम्या मेरे को एक चीज सिखाती रहती है कैमरे के पीछे से कि मम्मी हंसते रहो, हर वीडियो में जब भी देखो ना तो हंस हंस के बात किया करो, आपके चेहरे की स्माइल नहीं जानी चाहिए। ये तो लग ये है। लग गई है थालियां। दिन 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 तो यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ तीन थाली लेके, क्योंकि मैं आज इतना सारा खाना खाने उठी जी। और आप लोग बोलते हैं ना कि बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए, ये 200 नहीं 1000% सत्य है, बट मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं, वो बेड पे ही खाना खाते हैं। हम लोग तो बेड पे क्या, खटिया पे भी, हम लोग के यहाँ पे मायके में बचपन से पीढ़ा होता था, जो लकड़ी का आधा है ना पीढ़ा, उस सबका एक एक होता था, सबका घर में एक्स्ट्रा भी था, उसमें अपना एक एक पीढ़ा लेके बैठते थे। जमीन पे ही हम बचपन से खाए हैं, खटिया पे अगर खाना खा लिए तो आज ही मेरी खटिया खड़ा कर देती थी और वो सच में पटक देंगी, वो बहुत बलवान रही है अपने जमाने में। बट रम्या के पापा नहीं मानते हैं, अब ये क्यों नहीं मानते इनकी चीजें मैं नहीं बता सकती। सो यही सिर्फ खाते हैं, रम्या भी बेड पे खाना नहीं खाती है और मैं भी बेड पे खाना नहीं खाती हूँ। हाँ कभी कभी ऐसा रेयर होता है तब मैं खा लेती हूँ, नहीं तो मैं मोस्टली नहीं खाती हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये 2 दिन का ब्लॉग है, आपको 1 दिन का ये ब्लॉग नहीं देखने को मिल रहा है, पूरा बर्तन बिखरा हुआ है। ये नागपंचमी के शाम या सुबह का था ये क्लिप, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इतने सारे ये जो बर्तन है वो धोने के लिए है और बाकी मैं किचन यहाँ पे क्लीन करूंगी। तो सांपों के लिए सीढ़ी के नीचे बैठ के ना, शाम हो गई थी जब मैं गेहूं धो रही थी ना, तो शाम हो रही थी, बल्ब जल रहे होंगे आप लोग ने देखा होगा। तो मैंने सोचा कि मुझे डर लग रहा था, मतलब मैं बार बार ना पीछे मुड़ गई, इसलिए मैं वहां पे ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। और उस गेहूं को मैंने फिर से एक बार धोया सुबह में फिर उठ के, क्योंकि वो गेहूं अंधेरा हो रहा था तो मैं डर गई बहुत ज्यादा। और उसको मैंने धो दिया था तो बोड़ी में रख दिया था, फिर उसको मैंने उठ के धोया क्योंकि वो अच्छे से नहीं धुला था और मुझे डर लग रहा था क्योंकि रम्या के पापा घर पे नहीं थे। तो ये डर डर के वाली लाइफ है। तो आप लोग बोलते हैं धुआं, तो बहुत बड़ा घर है, एक जगह धुआं करती हूँ कहीं और दिख जाता है, कहीं और धुआं करती हूँ कहीं और दिख जाता है, तो परेशानी है। और बाकी आगे मैंने रिप्लाई दिया है तो वो सुन लीजिएगा कि क्या रीजन है। तो बस यहाँ पे सारा बर्तन मैं क्लीन करूंगी। और अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो लाइक करना आप लोग भूल जाती हैं, और ना निगेटिव कमेंट वाले नहीं भूलते हैं कि इनको निगेटिव कमेंट करके भाग जाना है। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि एक बार थोड़ा सा रुक के यहाँ पे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे पता है कि वीडियो देखते ही मेरे कितने लोग हैं, बट फिर भी जितने भी लोग देखते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट, अनुरोध, प्यार से, दुलार से मैं अपनी बातें कह ही सकती हूँ। तो यहाँ पे ना बर्तन धुलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे सिंक में, लेकिन जब मैं आंगन में धुलती हूँ तो बहुत अच्छा से रगड़ रगड़ के बर्तन धुल जाते हैं। यहाँ पे ना हाइट है किचन में ना, थोड़ी हाइट इसकी थोड़ी सी और कम होनी चाहिए थी, बट जब भी भविष्य में मेरा नया घर बनेगा तो मैं वहाँ पे किचन। लेकिन जल्दबाजी करता नहीं, अभी कूलर का जरूरत पड़ सकेला। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, छोटा सा ब्लॉग मैंने शेयर किया। और मैंने आप लोग को मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि चाह के भी ना मैं छत पे शिफ्ट नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि छत का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं, नहीं बता सकती आपको। और देखिए, किसी की भी घर ना, अगर एक घर शादी करके औरत किसी के भी घर जाती है तो वहाँ पे सास ससुर पति फैमिली वालों की चीज़ें चलती, वो थोड़ी नहीं उठाएगी सामान और सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हो जाएगी, नहीं हो पाता है ना। उसका हस्बैंड बोलेगा, उसके घर वाले बोलेंगे, तभी चीज़ें होंगी। तो वैसे ही अगर मेरे हस्बैंड नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए उनको सांपों से डर ही नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है, उनको बचपन में सांप काटा भी है
और उनको दो बार सांप काटा है, दो या तीन बार उनको, और इसलिए उनको कभी डर नहीं लगता है। गांव में ना बच्चे जब बचपन में खेला करते थे तो सांप बिच्छू, मुझे लगता है मेरे मायके में कभी कभी सांप निकलते थे। ऐसा नहीं कि मेरा घर बहुत मिट्टी का ही घर था हमारा, बट वहाँ पे ना इतनी साफ सफाई, इतनी मतलब चिक्कन एकदम घर द्वार, तो वहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम कभी मैंने देखी और फेस नहीं की हुई है। अभी मैंने बर्तन वर्तन सब कुछ क्लीन किया है और मुझे बनानी है परवल की मिठाई, क्योंकि अरम्या को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और वो एकदम डिमांड पे डिमांड कर रही है। परवल की मिठाई बनाने में एक ही चीज़ होती है, वो परवल को जब बीज निकालते हैं ना तो टूट जाते हैं थोड़े से, तो उसी का मुझे ट्रिक देखना है कि कैसे उसको एकदम ईजिली निकाल पाएँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अपना काम क्या दिखाऊं। लेट की इसलिए बात कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। और ये साड़ी देखिए, ये वाली साड़ी में फॉल लगाना है, इसका फॉल मंगा के धो के और सुखाऊंगी। ये वाली साड़ी में फॉल लगा दिए, सोच रही हूँ रक्षाबंधन में पहनूँ। कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताइएगा, ये वाली साड़ी कैसी लग रही है रक्षाबंधन में पहनने के लिए। इसका ब्लाउज स्टिच करूँगी, अभी की नहीं हूँ, बस इसमें फॉल लगाई हूँ आज। ये साड़ी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कलर, पहले मैं लाइट कलर नहीं पहनती थी, बट मैंने एक पार्टी में पहना और आप लोगों ने बहुत सारा तारीफ किया, तो तभी से मैं लाइट कलर पहनना शुरू कर दी हूँ। और ये तो साड़ी जो मैंने ये वाली दिखाई ना, ये कोलाब्रेशन की साड़ी है, तो इसमें मुझे फॉल लगाना है और इसका ब्लाउज भी स्टिच करना है। और आज सोच रही हूँ कि कैसे भी मर के जी के ब्लाउज ना इतने सारे हो गए हैं, तो सारा कलेक्शन पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके शांति के लाइफस्टाइल वाले चैनल पे आएंगे, तो एक बार जाके चेक करिएगा। अभी नहीं, मतलब शाम तक या कल तक मैं सोच रही हूँ 2024 में जो भी ब्लाउज बनाई हूँ ना बैक टू बैक उसको शेयर कर दूँ। और एक और अच्छी चीज़ बता दूँ, मेरे कान का जो नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से मैं इतनी स्ट्रेस में थी, क्योंकि जब मैंने उसको लिया था तो वो 12-13 हज़ार का था, शायद 13 हज़ार समथिंग का था, लेकिन अभी वो 18-19 हज़ार का हो गया होगा, क्योंकि सब सोना इतना बढ़ गया, या 15 हज़ार का तो हो ही गया होगा, तब जो भी होगा मुझे नहीं पता, और मिल नहीं रहा था। मैं सच बताऊँ ना तो मैं किसी से कह नहीं रही थी, मैं घुट रही थी अंदर अंदर मैं इतनी। और पता है क्या हुआ है, रात को सोई हूँ 1 बजे, रात को 1 बजे जब बिस्तर पे गई तो दिमाग में पता नहीं क्या है, घुटन हो रही थी, रुआधा नहीं होता, गला रुधा है, क्या हुआ, क्यों नहीं मिला, कहाँ मिलेगा, कहाँ घुमा दिया कहाँ। फिर अचानक से उठी और गई और अचानक से रात को 2 बजे मेरे इयररिंग मिल गए। मैंने 1 घंटा उसको ढूंढा छटपटा, डर भी लग रहा था, क्योंकि ना जब मैं YouTube पे आई थी 2020-21 की बात है, तब उसी साल सावन में करेत सांप निकला था और रूम में निकला था, वो भी खिड़की उड़की से आया होगा, और मैं ऐसे ही अचानक से उठ के गई थी चंद्रा ले आने, और मैंने देख लिया था ऐसे आवाजें आ रही थी, और रम्या के पापा ने वो निकल, वो पता है आप लोगों को, मतलब कि एक होता है ना कि हम जीव को मारते नहीं, क्योंकि रम्या के पापा पूजा करते हैं, तो उसको निकाले तो कैसे निकाले, वो घर में छटपटा छटपटा पूरा रेंग रहा था, इतनी मुश्किल हुई उसको निकालने में, मैं क्या बताऊँ आपको, 2-3 लोगों को बुलाना पड़ा तब जाके उसको निकलवाया था हमने, तो मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मेरी इयररिंग्स मिल गई, मतलब मैंने बहुत संभाल के रखे थे, और इतना अच्छा फील हुआ कि मैं जो सोई हूँ ना सुकून की नींद, मैं घुट रही थी, क्योंकि सोना का गुम होना पैसे की बात नहीं होती, अच्छा नहीं होता है, और मेरा सोना गुम हो गया था तो मैं बड़ी परेशान थी, बट फाइनली मेरे इयररिंग मिल गए, एक तो है नहीं, ऊपर से दो चार। आप मेरा गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी फैमिली है, मेरे बहनें हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरा बच्चा है, लेकिन अगर आपको जो भी मेरे पास से देखना होगा, लाइक जैसे कि मैंने कुछ यूट्यूब पे भी आके चीज़ें बनाई हैं, कुछ जब मैं सिलाई करती थी वो बनवाई थी, तो अगर आपको वो देखना है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं अपने कलेक्शन शेयर करूंगी। और मैं आज सोच रही हूँ शाम को लाइव आने के लिए, क्योंकि आज मैं ब्लॉग नहीं अपलोड करूंगी, दिन में कर दिया तो शाम को नहीं मेरा मन हो रहा है, बट अभी बहुत सारे काम मुझे करने हैं तो मैं लेट की आप लोगों से बात कर ली ऐसा, जबकि बेसिकली होता नहीं है, बट फिर भी मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए, और वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कमेंट करिएगा, और थैंक यू सो मच।